दोस्तों, आज का गाना सांसों की जरूरत है जैसे बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है। इसका नोट्स आज मैं बताने जा रहा हूँ। एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, जब हमने कोई भी गाना बजाते हैं उसमें हमने जो सिंगल नोट बजाने से गाने में इतना मिठास नहीं आता, गाने में कुछ एक्स्ट्रा नोट लेने से क्या है, गाने में मिठास बढ़ता है। जैसे जिंदगी के लिए ये हमने सिंगल नोट बजाया, लेकिन इसको अगर हमने ऐसे लेने से थोड़ा अच्छा लगेगा। इसी तरह गाने में आप लोग जितना गाना सुनोगे उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि नोट्स कहाँ कहाँ लेने से क्या कैसे अच्छा लगेगा। मैं नोट्स जो बता रहा हूँ इसमें आप लोगों को बजाने में आसान होगा, नोट बिल्कुल सही है। अगर कहीं लग रहा है कि यहाँ पे ऐसे लेने से अच्छा लगेगा, आप लोग वैसे ले सकते हैं। तो आज का गाना है सांसों की जरूरत है जैसे, इसमें बहुत ही अच्छा गिटार पार्ट है, गिटार में बजाने से वो चीज़ अच्छा लगे, इसलिए मैंने सैक्सोफोन में वो नोट्स नहीं बजाया है। गिटार में कोशिश किया था थोड़ा बहुत, तो आप लोग गिटार में ट्राई कर सकता है, नहीं तो सैक्सोफोन में जो गाना है उसका नोट्स मैं बताने जा रहा हूँ, देख लीजिए। तो आज का गाना सांसों की जरूरत है जैसे, सबसे पहले एक पियानो बजा है, कैसे कौन सी नोट है, ई, ई से स्टार्ट हो, एफ सार जी सार ई, फिर दोबारा एफ सार ए जी सार एफ सार डी, एफ सार जी सार ई, इतना नोट है, स्क्रीन में आएगा आप लोग देख के बजाना। इसके बाद जो है गिटार शुरू होता है, बहुत ही खूबसूरत गिटार धुन है। तो दोस्तों इस गिटार के बाद हाइमिंग होता है, जी सार एफ सार ए, जी सार एफ सार ई एफ सार, उसके बाद एफ सार ई, जी सार एफ सार ई डी ई, एक बार स्लो बजाता हूँ। के बाद सांसों की जरूरत है जैसे, कौन सी नोट है, ई से स्टार्ट होगा, ई छह बार एफ शार्प ई, उसके बाद डी सी शार्प डी, नहीं तो डी सी शार्प ई डी, दो तरीके से ले सकता है, कैसे इस टाइप से ले सकता है, और दूसरा इस तरीके से भी ले सकता है, यानी कि ना लास्ट नोट डी सी शार्प डी, नहीं तो डी सी शार्प ई डी, इससे अच्छा रहेगा, वो नोट्स इसमें यूज कर सकता है। उसके बाद दोबारा सेम सांसों की जरूरत है जैसे, मतलब इसमें एक नोट हाई लेना है, इस तरीके से भी ले सकता है, नहीं तो इस तरीके से भी ले सकता है, नहीं तो
छह बार है, जी सार, एफ सार, ई सी सार, ई डी। ठीक, जिंदगी के लिए इसको भी दो तरीके से ले सकता है, बी दो बार, डी जी जी जी, एफ सार एफ सार, जी जी जी, एफ सार एफ सार। और दूसरा तरीका है डी बी डी, जी जी जी, एफ सार एफ सार। कैसे? पहला वाला और दूसरा, ये दोनों तरीके से ले सकते हैं। उसके बाद बस एक सनम चाहिए, इसको भी दो तरीके से ले सकता है। कैसे? ए ए ए, ए को पांच वाले ना, ये है सिंपल नोट्स। और दूसरा है, ये भी एक तरीके से ले सकता है, मतलब शुरू में आप फर्स्ट वाला बजाना है और सेकंड में जो बस एक सनम चाहिए आता है उसमें ये बजा लेना। इसमें क्या है, डी बी डी, एफ सार एफ सार एफ सार, ई ई। उसके बाद एक फिलाप आता है जो नोट बजता है इसमें, कैसा है, ई एफ सार दिशार, ई एफ सार दिशार, E, F sharp, G sharp, C sharp, D, बिना हटे। फिर रिपीट होता है, उसके बाद म्यूजिक बजता है। पहले तो गिटार का कोर्स बजता है, उसके बाद म्यूजिक है, इसके बाद अंतरा स्टार्ट होता है। वक्त के हाथों में सभी तकदीर है, कैसे, कैसे, जी सार एफ सार, जी सार एफ सार, ई एफ सार, जी सार ए, जी सार और एफ सार। सभी तक धीरे है, जी ई में है, सभी तक धीरे है, कैसे, जी सारे एफ साल, जी सारे एफ साल और ई वी ई तीन में। तस्वीरे है, कैसे, वही सेम है। इसमें क्या है, ए जी सार एफ सार, जी सार एफ सार, जी सार वे, जी सार एफ सार में आ रहा था, इसमें क्या करना, जी सार बी, थोड़ा हल्का बी में जाके फिर जी सार एफ सार में रुकना है। इसके बाद जा दर्द है वही गीत है, कौन सा नोट है ये, ऑक्टेव के साथ सी सार ओपन, सी सार बी,
सी शार्प डी ए ई डी 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 सी शार्प ओपन बिना ऑक्टेव। तो कैसे हैं स्लो सेम जहाँ प्यास है वही मीत है, ये दो बार बजेंगे सेम लाइन। उसके बाद कोई ना जाने मगर कैसे डी डी बी बी ए जी ए बी थोड़ा हल्का बी ए हल्का बी ए फिर रीत है दिशा तीन बार ए बी सी सार बी को थोड़ा हैमरिंग करना है और ए में दो बार कनेक्टिंग नोट दे सकता है ए बी ए जी सार एच आर ई डी सी सार बी। ऐसे ये कनेक्टिंग नोट दे सकता है। इसके बाद दोस्तों ये गाना रिपीट होता जाता है, यहाँ तक ही गाने का नोट्स खत्म होता है। यही जो लिरिक्स है उसको वो अलग है लेकिन नोट्स यही बजेंगे। तो दोस्तों नोट्स ध्यान दीजिए और लाइक और कमेंट करके बताइए कि मैं आपको आप लोगों को हेल्प कर पा रहा हूँ या नहीं, मेरे को पता चलेगा आपका लाइक और कमेंट्स में आपको मैं हेल्प कर पा रहा हूँ या नहीं। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए, अगर कहीं में भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट करना, मैं उसको जरूर बताऊंगा। ओके दोस्तों, गुड नाइट।